नमस्कार, मैं अदिति आप सभी का हुजूर्स किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम जो रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे वो है वेज मंचूरियन। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, हमने मंचूरियन ग्रेवी वाला बनाया है। तो चलिए हम देखते हैं अपनी रेसिपी, उससे पहले हम उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे पत्ता गोभी। हमने 1 कप पत्ता गोभी लिए बारीक कटी हुई, 1/2 कप गाजर लिया है ग्रेट करा हुआ, 1 छोटा प्याज लिया है बारीक कटा हुआ और 1/2 कप हमने शिमला मिर्च लिए बारीक कटी हुई। अब हमने 1 चम्मच लहसुन अदरक और हरी मिर्च को लिया है 1-1 चम्मच बारीक कटे हुए। हमने यहाँ पे 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच विनेगर का लिया है और हमने यहाँ पे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 5 चम्मच मैदे को मिक्स करके एक मिक्सचर बना लिया है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हम अपने बॉल्स बनाएंगे उस मंचूरियन के। उसमें पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, अदरक, हरी मिर्च और नमक डालेंगे और इसमें काले मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे 1 चम्मच और हम इसमें हमने जो मैदे और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर बनाया था उसका भी इस्तेमाल करेंगे और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथों से दबा दबा के करेंगे जिससे सब्जियों का पानी निकल जाए और ये अच्छे से बाइंड हो जाए। अगर आपको लगता है आपका मिक्सचर बहुत गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा 1-2 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमारा मिक्सचर तैयार है, अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, आपको जितना बड़ा साइज़ चाहिए उस हिसाब से, पर बहुत छोटा भी ना बने, बड़ा भी ना बने। एक मीडियम साइज़ का बॉल बनाएंगे तो फ्राई भी अच्छे होते हैं और खाने में भी कंफर्टेबल रहते हैं। इस तरह से सारे बॉल्स बना लीजिए आप अपने। ये हमारे तैयार हैं सारे बॉल्स, अब हम इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमने मीडियम हॉट ऑयल लिया है, मीडियम फ्लेम पे ही हम फ्राई करेंगे सारे बॉल्स को। 5 से 6 मिनट लगते हैं इनको फ्राई होने में, अच्छे क्रिस्पी फ्राई हो जाएंगे ये। इनको उलटते पलटते हुए अच्छी तरह से चारों तरफ से फ्राई कर लीजिए। इनमें अच्छा कलर आ जाएगा। ये देखिए हमारी बॉल्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अच्छा कलर आ गया इनमें। अब हम इनको निकाल लेंगे, एक एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकालें जिससे एक्सेस ऑयल सारा वो सोक कर लें। अब हम अपनी ग्रेवी बनाएंगे। एक पैन में हमने 1 चम्मच तेल गरम करा है, उसमें हमने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज जो है उसको डाल लिया है हाई फ्लेम पे। हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे जब तक ये थोड़े अच्छा इनका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए कलर चेंज हो गया। अब हमने स्लरी डाली है, इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर को हमने पानी में घोल के डाला है और इसमें फिर सोया सॉस डाला है। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हमने इसमें विनेगर डाला है, नमक डालेंगे, फिर काली मिर्च डालेंगे और इसमें हम 1/2 कप जैसा पानी डालेंगे और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें एक उबाल आने के लिए देंगे, एक उबाल आ जाएगा फिर हम इसमें जो मंचूरियन के बॉल्स बनाए थे वो डालेंगे और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे अच्छे से। तब तक बॉल्स में भी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और बॉल्स भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। ये देखिए हमारा मंचूरियन तैयार है, अब हम इसे सर्व करेंगे। मंचूरियन के लिए कुछ टिप्स हैं कि आप जब मंचूरियन के बॉल्स बनाते हैं तब उसमें पानी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमारी सब्जियों में काफ़ी पानी होता है तो उसी से जो हमारा कॉर्नफ्लावर और मैदे का मिक्सचर होता है वो उसी से बाइंड हो जाता है। अगर आपको लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे उससे पहले जो हम प्याज वगैरह भूनते हैं हमें वो हाई फ्लेम पे भूनना चाहिए और फ्राई करते समय ध्यान रखना चाहिए कि गैस बहुत तेज़ भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। मीडियम फ्लेम पे हमेशा फ्राई करें। और सोया सॉस डालते हैं तो हमें नमक का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी नमकीन होता है, तो नमक की क्वांटिटी उसी के हिसाब से डालें। और आप जब भी सर्व करें तभी आप मंचूरियन बॉल्स जो हैं वो ग्रेवी में डालें, क्योंकि ग्रेवी नहीं तो गाढ़ी हो जाती है पड़ी पड़ी। अगर अभी कभी आपकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाए तो आप उसको पानी डाल के पतला भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि सर्व करने से जस्ट पहले ही आप ग्रेवी और मंचूरियन बॉल्स को मिक्स करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें,
मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने वैल्यूएबल फीडबैक और कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।